नमस्कार। आज हम बताएंगे दोस्तों, आप नारियल का जेली बना सकते हैं नारियल के पानी से। जी हाँ, और दोस्तों इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 100 रुपये होगी। जी हाँ, आपका जो कॉस्टिंग आएगा दोस्तों, आप 20 से 25 रुपये में एक नारियल, मतलब आपको 2000 से 2500 रुपये सैकड़े में नारियल मिल जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। इस तरह से कट करके दोस्तों आपको इस तरह से ग्राइंडिंग कर लेनी है, जैसे कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। आप वीडियो को देख के हूबहू इसी तरीके से आपको सेम काम करना है, और किस तरह से आपका फाइनल प्रोडक्ट दोस्तों तैयार होगा ये देख लीजिए, कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस तरह से प्रोडक्ट आपका रेडी करने के बाद जो साइड से है छिलके को हमें कट करके पूरा निकाल देना है, जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। और बहुत ही आसान है इस काम को दोस्तों, विदाउट मैन्युफैक्चरिंग घर से ही किया जा सकता है। और इस तरह से आपका ये शेप बन के तैयार हो रहा है, और इसे हमें इस पानी में रख देना है, जिससे दोस्तों प्रोडक्ट आपका नरम हो जाए और छिलने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, पानी में जाने के बाद ये प्रोडक्ट नरम हो जाता है, जिसे छिल सकते हैं और कटिंग करने में भी आपको आसानी हो जाएगी। ये फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद दोस्तों आपको पानी में रख लेना है। पानी में रखने के बाद दोस्तों उसका जो नारियल पानी है, जो नारियल पानी दोस्तों कट करके उसका पानी हमको कुछ इस तरह से टब में निकाल लेना है। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हैं, पानी निकालने के बाद जो मलाई है दोस्तों, मलाई को कुछ अलग से रिमूव कर देना है, यानी अलग से किसी बर्तन में हमें मलाई निकाल लेना है और पानी को अलग कर देना है। ठीक है, कट करके ऊपर का सिरा। ठीक है, अभी इस तरह से दोस्तों आपका ये फाइनल प्रोडक्ट रेडी होगा। और पानी को हमें दोस्तों फ्लेम पर रख देना है, यानी गर्म करना है। ठीक है, और जो हमने प्रोडक्ट कट करके निकाला था उसका शेपिंग कुछ इस तरह से हमें कर देना है। ठीक है, और सारा मलाई को हमें बाहर निकाल लेना है। और मलाई को निकालने के बाद दोस्तों बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, विदाउट मैन्युफैक्चरिंग 100 रुपये में बड़े आराम से प्रोडक्ट तैयार होगा। जो पीस हमने कट किए थे आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर और कितना बढ़िया लग रहा है। अब इसमें मलाई हमें थोड़ी थोड़ी मलाई सारे कोकोनट डब्बे में हमें डाल देना है। जी हाँ, और ये जो हमने पानी गर्म किया था दोस्तों, नारियल पानी, इस पानी को अब हम सब में फिल करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये गर्म पानी है, मतलब नारियल गर्म पानी। ठीक है, नारियल का ही पानी है, उसे गर्म किया गया था। अब इस तरह से हमें फिल कर देना है। फिल करने के बाद कुछ इस तरह से देख लीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा। अगर आप मान लीजिए 100 कोकोनट दिन भर में कुछ इस तरह से बनाते हैं दोस्तों, अब आगे की प्रक्रिया क्या है कि ये जो आपका जेली कैसे बनेगा। ठीक है ना, ये जेली का रूप ले लेगा, आपको इसे फ्रिज में रख देना है। जी हाँ, फ्रिज में रखने के बाद कुछ इस तरह से दोस्तों आपको पन्नी से लपेट के अपना स्टिकर ब्रांडिंग भी कर सकते हो। जी हाँ, पन्नी से इस तरह से लपेटने से ये होगा कि आपका प्रोडक्ट गिरेगा नहीं, और बड़े आराम से फ्रिज में रख देंगे आप, और आपका दोस्तों जेली बन के बस 1 से 2 घंटों में तैयार हो जाएगा। जी हाँ, 1 से 2 घंटों में ये जेली आपका तैयार हो गया। आप अपना स्टिकर ब्रांडिंग लगवा सकते हैं, और एक कोकोनट दोस्तों 100 रुपये में बड़े आराम से आप सेल कर सकते हैं। इसकी प्राइस ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 100 रुपये बड़े आराम से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप होलसेल प्राइस में होटलों पे दे सकते हैं, बड़े बड़े होटल जो हैं दोस्तों वहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वो नया प्रोडक्ट है और मार्केट में बहुत चलेगा। ठीक है, तो इस तरह का बिजनेस आप घर बैठे ही शुरू कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और आपका फाइनल जेली बन के तैयार है।